नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर एक और नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अपने घर में मौजूद नोट के ऊपर ये एक चीज रख दें तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लाखों जतन करता है, हर प्रकार के टोने टोटके उपाय करता है, मेहनत परिश्रम भी बहुत करता है, लेकिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आपको सही प्रकार से और सही उपाय करना ही बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय को सही ढंग से करें। दोस्तों माता लक्ष्मी को जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति को धन से जुड़ी कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि पीली हल्दी। दोस्तों पीली हल्दी को वैसे भी शुभता का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों पीली हल्दी का इस्तेमाल जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन के आगमन को और धन की आवक को बढ़ाने के लिए करता है उसका व्यक्ति का जीवन तो बदलना तय है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही सही ढंग से करना जरूरी है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बाजार से दो हल्दी की पीली गांठ लेकर आए, साबुत हल्दी जिसे कहते हैं, आप उसे लेकर आए और अपने घर के पूजा मंदिर में एक 10 रुपए के नोट के साथ इसे रख दें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजा करें। उन्हें लाल रंग के फूल चावल यानी कि जिन्हें अक्षत भी कहते हैं, जो टूटे हुए और खंडित ना हो, ऐसे चावल और 2 लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। एक दीपक जलाकर उन दोनों लौंगों को आप उस दीपक में डाल दीजिए और दीपक जब पूर्ण हो जाए तब उन दोनों लौंग को उठा करके आप एक 10 रुपए के नोट पर जैसे कि आपने मंदिर में रखा था उसके ऊपर हल्दी के 2 गांठ रखने के बाद उस दीपक में से बची हुई 2 लौंग को उठाकर उस नोट पर रख दीजिए। अब नोट को इस प्रकार से मोड़िए कि वे दोनों लौंग और दोनों हल्दी की गांठ बाहर ना निकल पाए और ऊपर से एक लाल रंग का धागा बांध दीजिए। लाल रंग के धागे में 11 गांठ लगाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों यह उपाय जिस व्यक्ति ने भी किया है उस व्यक्ति के घर में दिन दूनी और रात चौगुनी रूप से तरक्की होने लगी है, ऐसी किस्मत खुलती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को व्यर्थ न जाने दें और इस उपाय को करके आप अपने घर में और अपने जीवन में सुख संपत्ति को आने का आमंत्रण दें और माता लक्ष्मी से अपने घर में पधारने के बाद स्थायी रूप से वास करने की प्रार्थना भी करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जय बजरंगबली।